उमस भरी भीषण गर्मी में स्कूल खोलने का फरमान गलत साबित हो रहा है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को कोई चिंता नहीं हुई है। बुधवार को जिले के गोराडी और शाहकुंड के दो स्कूलों में 5 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक गोराडी प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय चकदारिया में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान के समय 6:44 में 4th कक्षा की छात्रा सामदा बेहोश हो गई, जिसके बाद स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बच्ची को स्कूल में ही प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद बच्ची होश में आई। वहां के प्रधानाध्यापक मौसमसूद जोहा ने बताया कि उसके बाद 4th कक्षा के छात्र के बेहोश होने के बाद जब परीक्षा शुरू हुई तो 3rd कक्षा के 2 छात्राएं बेहोश हो गई। इसके बाद जांच में आए BRP से निर्देश लेकर बच्चों को परीक्षा के बाद कमरे की कमी के कारण कक्षा 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8 में चलता है। यह 220 बच्चे नामांकित है। प्रत्येक दिन 230 से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति रहती है। वहीं दूसरी ओर शाहकुंड प्रखंड के उच्च विद्यालय रामपुर डी में भी परीक्षा के दौरान 2 बच्चियां बेहोश हो गई। इसके बाद स्कूल में सबों की भीड़ लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक बेहोश होने वाले बच्चों में एक राधानगर की जबकि दूसरा दासपुर की थी। दोनों के परिजनों स्कूल पहुंचकर बच्चों को घर ले आए। वहीं इस मामले के बाद भी अभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ मन की भरास निकालते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। कहा जा रहा है कि स्वयं AC में रहकर सरकार इस भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल भेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।